नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के हरिद्वार में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने गंगा पूजन कर ली शपथ। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष ने दिलाई शपथ, फूलमाला और गंगाजली देकर किया सम्मानित। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता सबसे मजबूत है, विश्वजीत नेगी। हरिद्वार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। इससे पूर्व हर की पहली पर मां गंगा पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने यूनियन की नवनिर्वाचित सदस्यों को फूल माला और गंगा जली देकर सम्मानित किया और उन्हें शपथ दिलाई। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पांडे, जिला महामंत्री विनीत व सदस्यों ने हर की पहली पर मां गंगा का पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम और डॉक्टर चक्रपाणी ने नवनियुक्त श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की कार्यकारिणी का स्वागत करते हुए कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। एक पत्रकार ही समाज को सही दिशा दिखाता है। लोगों की जन समस्याएं अपनी कलम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पत्रकारिता का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तराखंड प्रदेश के विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्य अतिथि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश महामंत्री विश्वजीत नेगी ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता सबसे मजबूत है। जब कोई भी व्यक्ति तीनों स्तंभों से निराश हो जाता है तो उम्मीद लेकर चौथे स्तंभ के पास आता है। देश की आज़ादी से पहले और बाद के हालात दोनों में पत्रकारों ने हमेशा राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पांडेय ने श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार अगर सजग नहीं होगा तो समाज जागरूक नहीं हो सकेगा। इसके लिए समाज के समग्र विकास के लिए पत्रकारिता और पत्रकारों का निष्पक्ष, निर्भीक और हर प्रकार से जागरूक होना बेहद जरूरी है। नवनियुक्त जिला कार्यालय प्रभारी गौरव कुमार ने कहा कि राज्य और समाज के विकास में पत्रकार हमेशा सकारात्मक सहयोग प्रदान करते रहे हैं। हर समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए उनका निराकरण करने में भूमिका निभाते हैं। उन्होंने यूनियन के पत्रकार हितों के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर देहरादून से शिव प्रसाद सती, जिला महामंत्री विनीत धीमान, उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन नागयान, सुधीर चावला, आशीष शर्मा, संजय भारती, कोषाध्यक्ष पंकज स्वानी, राकेश कुमार वर्मा, सद्दाम हुसैन, गौरव कुमार, नवीन कुमार भूषण, अशोक गिरी, सुमित वर्मा आदि उपस्थित रहे। हरिद्वार जिला ब्यूरो, संजय भारती की रिपोर्ट। कार्यकारिणियों का गठन तो हर जनपद में होता रहता है। हमारे 13 के 13 जनपदों में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की इकाइयाँ कार्यरत कर रही हैं, लेकिन ये पहली बार हरिद्वार में ऐसा हो रहा है कि गंगा पूजन के साथ शपथ ग्रहण समारोह की जो शुरुआत की जा रही है, एक अच्छी पहल है। और मैं इसके लिए गंगा समिति के अध्यक्ष गौतम जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी जो कमेटी है या हमारे जो साथी हैं पत्रकार साथी हैं, उनका ऐसा सौभाग्य भी आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो बहुत सुंदर पहल है और ऐसी पहल बार बार की जानी चाहिए। ऐसी माँ गंगा का आशीर्वाद लेके हर चीज़ की शुरुआत की जानी चाहिए, क्योंकि हम जब पूजा हुए स्थान पे भी कोई चीज़ करते हैं तो माँ गंगा के गंगा जल से ही शुरुआत की जाती है। तो मेरा सभी साथियों से भी अनुरोध है कि पत्रकारिता की जो गरिमा है उसको, क्योंकि आज माँ गंगा के आशीर्वाद से आप फिर नई कार्यकारिणी के रूप में काम करेंगे, तो माँ गंगा का जो आशीर्वाद है वो यही है कि अपनी जो पत्रकारिता है वो पाक साफ और साफ़ सुथरी हो। देखिए, ज्ञान प्रकाश पांडे जी पूर्व में जो कार्यकारिणी थी उसमें महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे और उनके कार्य अनुभव को देखते हुए मैं ये जानता हूँ कि बहुत सुंदर ढंग से प्रदेश जो आपकी हरिद्वार इकाई है वो कार्य करेगी। क्योंकि कहते नहीं, पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, तो वो पालना अभी दिखाई दे गया कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को अपने साथियों को जोड़ करके और गंगा के माँ गंगा के द्वार से शुरुआत की है। यही एक अच्छी शुरुआत की जो है वो